आयो, ये हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमें आप हमें थोड़ा सा प्यार दें और हम आपको सरप्राइज़ दें या करेंगे रोज़ाना रोज़ाना की रूटीन में फिर हम नए नए सरप्राइज़ लेके आया करेंगे, बस आपकी थोड़े से प्यार की ज़रूरत है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा छोटा केस टूटा हुआ था, अभी बाबा इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं और हम इसके हम रबी एनिमल्स बर्ड्स हाउस के लिए नए मेहमान लेके आए। आज हम फीड डालते हैं ये देखें, अब हम फीड डाल रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इनकी रोज़ की फीड है। रोज़ाना हम इन्हें खमीरी रोटी डालते हैं और अभी हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी खमीरी रोटी तैयार हो चुकी है। अब इसको थोड़े से पानी में डाल के भिगोएंगे और उसके बाद इनके आगे रख देंगे, देखते हैं खाएँगे या नहीं खाएँगे, क्योंकि आज दो मुर्गियाँ तो नीचे हैं, ऑलरेडी दो मुर्गियाँ नीचे हैं इस टाइम। सिर्फ ये हमारा किंग शेरू और दो मुर्गियाँ ऊपर हैं। हमारा जो किंग है इस टाइम मोमिन उनको तंग कर रहा है, मोमिन को भी मना करते हैं कि उसको ना तंग करें और उम्मीद है कि हमारे मुर्गा आज ठीक हो, क्योंकि कल इसको बहुत ज़्यादा मोशन लगे हुए थे। कल हम व्लॉग शेयर नहीं कर पाए क्योंकि कल हम व्लॉग बना नहीं पाए, क्योंकि कल ना हम लोग जो थे कहीं गए हुए थे बाहर, इसलिए हमने कोई कल व्लॉग नहीं बनाया। हम लोग थे ही नहीं घर पे, हमने इसलिए घर पर व्लॉग नहीं बनाया। और इन्होंने कल हमने इनको खाना भी डालना भूल गए, तो किंग बदमाशियाँ दिखा रहे हैं, देखें छलांग मारता है, ये देख सकते हैं ये भाग जाता है, फिर यूँ करते हैं ये भागता है, थोड़ी सी बदमाशियाँ दिखा रहा है पर इतना हमें कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि थोड़ी सी बदमाशियाँ तो करे गए, वो मारते जब हम खाना नहीं डालते तो मारेगा, ज़ाहिर बात है। और आज ये भाई इन्हें मार रहे हैं मोमिन, तो मम्मी इनको समझा देते ना मारे, इस टाइम मारेगा फिर इसको, फिर ये रोएंगे, इनका तो रोज़ का काम है रोते हैं मारते हैं। ये देखें, ये देखें इन्हें तंग कर रही है, ऊपर चढ़ गए हैं दीवार पे, वो देख सकते हैं मुर्गे ऊपर दीवार पे चढ़ चुके हैं। मम्मी ने मना करते हैं ना करें, मम्मी समझ नहीं आ रही आपको, मुर्गों को मारते रहते हो हर टाइम। ये इनका शेरू है, ये देख सकते हैं आप, शेरू भी हमसे बहुत डरता है पता नहीं क्यों, देख सकते हैं। और हमारे मुर्गे इस टाइम ऊपर चढ़ चुके हैं, अब हम पीछे से जाएंगे और इनको इधर को गिरा देंगे ताकि ये लोग ऊपर किसी की दीवार पर चढ़ ना जाएं। ये देखिए अब हमें इन्हें डराएंगे पीछे, जाओ नीचे, हो गया हमारा मुर्गा नीचे जा चुका है। वो देखे मुर्गी भी आ चुकी है और वो ब्लैक वाली मुर्गी रह गई, वो देखे हमें पता नहीं जाती है नहीं, देख सकते हैं सिर्फ वही ब्लैक मुर्गी रह गई है, वो तो जा रही आगे आगे जाई जा रही है। भाई नीचे उतर जा, नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जा भाई, नीचे उतर जा भाई, नीचे उतर जा, ये क्या, वो तो ज़्यादा ही ऊपर चढ़ चुकी है भाई, इसकी वजह से मोमिन ने उसको ऊपर चढ़ा दिया था, अब वो नीचे भी नहीं उतर रही। सो गाइस अब हम वहाँ पे जाकर उतारेंगे क्योंकि वो तो नीचे उतर नहीं रही और मुर्गा भी हमें मार रहा है, तो हम क्या करें आज। ये देख रहे, ये देख सकते हैं ऊपर जाके बैठ चुकी हैं मैडम, ये देखें नीचे उतरो, ब्लैक की फास्ट सीटिंग, नीचे उतरो नीचे उतरो, ये देख सकते हैं मुर्गी तो उतर चुकी है, उतर है मुर्गी, उतर चुकी है और हमें थोड़ा सा सुकून है मुर्गी के लिए। और हमें ना ये मुर्गियाँ अभी हम लोग कलरफुल चिक्स लाएंगे कुछ दिनों तक, देखते हैं वो लाते हैं नहीं, सरप्राइज़ है वैसे आप लोगों के लिए एक, वो भी लाएंगे। पर जो हम आपको दिखाना चाहते हैं ना, ये देख सकते हैं हमारे जो पीछे जगह है, यहाँ पर बनेगा एक केज,
यहाँ पर इस जगह पे, ये जो हमारी ये वाला केस है इसको हम हाफ़ कर देंगे और यहाँ पर इतना बड़ा केस बनेगा। और आज मज़दूर भाई भी नहीं आए, वो तो कैसे हम कल परसों तक आ जाएंगे। तो आज मज़दूर भाई भी नहीं आए तो आज हमारा कोई काम नहीं होगा। उन्होंने कहा हम दो तीन दिन तक, फिर दो तीन दिन लग जाएंगे, मुझे आगे कोई काम मिल चुका है। तो हमने उनको कहा कि ना आप दो तीन दिन तक आ जाएगा और यहाँ से साफ कर दीजिएगा ये सारा, ऐसे यहाँ से बिल्कुल टाइलें वगैरह उठा देंगे वो। फिर हम यहाँ पे मज़दूर भाई को कहेंगे कि हमने यहाँ पे केज बनवाना है, फिर हम यहाँ पे केज बनवा लेंगे। मज़दूर भाई को कहेंगे उठा देंगे वो, उसके बाद हम मिस्त्री भाई बुला लेंगे, मिस्त्री भाई को कह देंगे यहाँ पे हमें केज बना देंगे, हमें यहाँ पे इस पूरी जगह पे केज बना देंगे, देख सकते हैं इस पूरी जगह पे वहाँ से यहाँ तक। अब हम उसकी छत लेके आएंगे, उसके बाद हम, अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, महीना या डेढ़ महीना लग जाएगा हमें। फिर उसके बाद हम सरप्राइज़ लेके आएंगे आपके लिए, और वो हमें भी नहीं पता वो क्या है। पापा ने हमें कहा है आप जल्दी जल्दी सफाइयाँ करो ऊपर की, ऊपर और पैट्स लाएंगे, सरप्राइज़ देंगे, मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा, सरप्राइज़ देता रहूँगा। वो देख सकते हैं छत पे बिल्कुल सामने ना मस्जिद की, कवा और चील लड़ रहे हैं, वो देखें वो भाग गया, वो देख रहे थे वो ना आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। दो तीन दिन से मैं इनको देख रहा हूँ, कवा वहाँ बैठा होता है चील को तंग करता है, जब चील पीछे जाती है फिर कवा भाग जाता है, उड़ जाता है, तो पता नहीं क्यों तंग करता है वो, उड़ के चला गया। और ना अच्छा हुआ है कि चील उसको पकड़ने जाती है, पकड़ में नहीं आता है, बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आता। और ये आज हमारे किंग साहब बहुत तंग कर रहे थे, मार रहे थे, पता नहीं अभी ने क्या उस पर क्यों मार रहे थे। और ये हमारी क्वीन इतना डरती है, देखो ये देखे डर के कहाँ चली गई है, देख सकते हैं डर के, ये ना उनसे इतना डर लगता है पता नहीं क्यों, इतना डरती है। देखें ये देखें खम्बी रोटी इतने शौक से खाते हैं, और आज पता नहीं इन्हें क्या हुआ, कल हमें इन्हें रोटी डालना भूल गया, हमने इन्हें आके शाम को डाली है, और आज देखें ये खा ही नहीं रहे इतने शौक से, पहले बहुत शौक से खाते हैं। अब हम जाते हैं अपनी ना शेरनी के पास, उसने अंडा दिया होगा नीचे, यकीनन अंडा देती है, नीचे जाके देखते हैं उसको नीचे जाके। सो आए थे हमारी मुर्गी ये बैठी हुई थी को शेरनी, इसने अभी तक अंडा नहीं दिया, तो अब आराम से वह देखे रमजान को नहीं बैठने दे रहे हैं। ये देखे पिंजरे के ऊपर बैठे हुए रिपेयरिंग कर रहे हैं बाबा पिंजरे की, और यहाँ पर हमारे बर्ड्स देखे बहुत प्यारे प्यारे हैं, कितने प्यारे बर्ड्स हैं, ये देखे बहुत प्यारे बर्ड्स हैं, ये देखे। और रमजान अब्दुलरहमान को तंग कर रहे हैं, अब्दुलरहमान उसको बैठने नहीं दे रहा ऊपर पिंजरे के केज के हमारे। और ये देखे कितने प्यारे लग रहे हैं, और यहाँ से ना इसके क्या हुआ है ये पता नहीं, जब हम इसको छोड़ेंगे तब देखेंगे पता। देखिए और रमजान को मारते हैं, ये पिंजरे को वो अब्दुलरहमान कह रहा है रमजान को कि मेरा पिंजरा खाने नहीं दे रहा, देखे वो तंग कर रहा बार बार, और वो उसको उठा रहे हैं, और बाबा यहाँ पर पिंजरे की रिपेयरिंग कर रहे हैं। फिर हम इन्हें यहाँ पर अंदर छोड़ेंगे इसको केज में, यहाँ पर अच्छी तरह इन बाबा इसकी रिपेयरिंग कर लें, फिर इसको हम छोड़ देंगे बीच में इन्हें बर्ड्स को। ये देखें बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये देखो ये क्या है, वो देखो देखे क्लैपिंग कर रहे अब्दुलरहमान, अब्दुलरहमान क्लैपिंग करो, अच्छे लग रहे हैं, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग कर रहे हैं बर्ड्स देखे, देखो क्लैपिंग करो, देखो बर्ड्स में क्लैपिंग कर रहा था अब्दुलरहमान, और बाबा ने केज की रिपेयरिंग कर ली है, यहाँ से केज यहाँ से हमारा टूटा हुआ था, अभी थोड़ी सी और करेंगे उसके बाद हम अपने बर्ड्स को छोड़ देंगे। अब्दुलरहमान शेरनी से बहुत ज़्यादा डरता है, शेरनी आती है तो अब्दुलरहमान डर जाता है, पर अभी शेरनी आई नहीं है नीचे तो ये डर नहीं रहा, आ जाती है तो फिर डरता है, चीखे मारता है, बाबा को बता देता है, बाबा की तरफ बोलता है, बाबा बाबा कहते हैं,
ये देखिए अब बार बार केज के डोर को ओपन कर रहा है, क्लोज कर रहा है, बंद कर रहा है, कभी खोल रहा है यहाँ से, ऊपर बैठे हुए धीरे मान के लाफिंग कर रहा है, बाबा को बुला रहा है, बाबा को बाबा को कह रहा है कि तार पकड़ा दे। देखे ऐसे ने पाँव रख लिए, क्या करना है मैंने कर रहा है। अब हम चिड़ियों को छोड़ने लगे हैं केज में, और यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर काट रही है बाबा को, यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं दोस्तों केज में चिड़ियों को, बर्ड्स को अपने अपने देखे हैं। यहाँ पर ये दूसरा बर्ड कह रहा है, पहले बड़े सुस्त बैठे थे, अब जैसे ही मैंने वो दो छोड़े हैं तो ये भी एक्टिव हो गए। ये ना काट के होते हैं, इनको बड़े से पकड़ना पड़ता है, जैसे ये देखें माशाल्लाह इनके ऊपर फ्लावर बने हुए हैं, फूल कुदरती फूल बने हुए हैं, तो माशाल्लाह बड़े अच्छे फूलने लगते हैं, इसलिए हमने आज दो पेयर लिए हैं। ये हमने कहा शेयर कर ले, इसमें होता है एक डबल फ्लावर कहलाता है, एक सिंगल, और ये कुदरती इसके सारे के ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये इसके सारे के ऊपर ताज सा भी बना होता है, कुदरत की तरह भी होता है। तो ये है मेल, ये हम इसको भी छोड़ रहे हैं, ये आज रबी की फरमाइश पे लेके आए हैं, हम कोशिश कर रहे थे अब लेने गए थे कुछ और, लेकिन ये मार्केट में अच्छे लगे, हमने कहा ये ही ले लेते हैं आज। मुझे भी बहुत प्यारे लगे ये, ये बच्चों को सबको पसंद आए हैं, आप लोगों को भी पसंद आएंगे, जो रबी के व्यूअर हैं, जो इसके देखने वाले हैं, जो परिंदों से प्यार करने वाले हैं, उनको भी अच्छे लगेंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर हम एक ऐसी फैमिली बनाए जो परिंदों से प्यार करती हो और परिंदों के बारे में जानना चाहती हो, ताकि हमें भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज साथ साथ मिलती है, वो नॉलेज हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, वो सारी शेयर करेंगे जैसे जैसे हमें पता चलता जाएगा। ये अभी दो पेयर लेके आए हैं माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत हैं, ये कुदरती फ्लावर बने हुए हैं इसके ऊपर, अल्लाह ताला की दुआ करते हैं। ये देखिए इसके दोनों साइडों में फ्लावर बने हैं, शेयर करते रहेंगे। ये रबी अव्वल है, ये थोड़ा सा भी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करता है, इंशाल्लाह ये आप लोगों से जैसे जैसे आप लोग इसको कहने के थोड़ी हौसला अफजाई के करेंगे इसकी, या इसके साथ आपको ऐसा प्यार मोहब्बत वाला मामला रखेंगे तो ये आप लोगों के साथ भी मिल जाएगा। हम यूट्यूब पर फैमिली बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम इस मेहनत को मज़ीद आगे लेते जाएं, इस चैनल को और आगे लेते जाएं। हमें आपके तावन की ज़रूरत है ताकि हम इस पर भरपूर मेहनत करके अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाएं। हमारी कोशिश तो पूरी है कि हम आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएँ, अच्छे अच्छे वर्ड्स लेके आएँ, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट किसी वर्ड के साथ मिलें। कल हम लोग एक डक लेके आए थे, वो डक का नाम रखना है, तो अभी जो अब्दुल मोमिन ने सोचा था वो इसने कहा था डक लो, तो आप जो हमारे देखने वाले हैं वो किसी को समझ में आए कि इसका क्या नाम रखना चाहिए, और ये चार जो वर्ड्स लेके आए हैं आज हम परिंदे, इनका क्या नाम रखें,
इसमें आप हमारी मदद कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें कमेंट्स करके बताएगा कि इनका क्या नाम है। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज का प्रोग्राम भी कर दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिलेंगे नई वीडियो के अंदर।